उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के मिरौरा कला गांव में कोर्ट के फैसलों को लेकर लोगों में खुशी का माहौल है। निर्भया के दोषियों की फांसी को लेकर हलचल इन दिनों तेज हो गई है। निर्भया के चचेरे दादा का कहना है कि अपराधियों को इतना समय नहीं मिलना चाहिए, 1-3 महीने के भीतर सजा मिल जितिन तो घटनाएं कम होती। वहीं राष्ट्रपति के यहाँ भी क्षमा याचना खारिज हो गई है, दोषियों को फांसी के सजा पर लटका देना चाहिए। वहीं हैदराबाद की घटना पर कहा कि तेलंगाना पुलिस ने एनकाउंटर करके बहुत अच्छा काम किया। वहीं तेलंगाना पुलिस का कार्य सराहनीय है, जिससे अपराधियों का मनोबल कम हो जाएगा। वहीं कोर्ट के फैसले पर विश्वास जताते हुए कहा, कोर्ट में फांसी की सजा बरकरार है, लेकिन कुछ इस तरह के नियम है जिसका पालन करना जरूरी है, लेकिन इस तरह का पालन कम से कम समय में होना चाहिए। वहीं निर्भया की चचेरी बहन ने कहा, हमें पता चला कि बक्सर सेंट्रल जेल में फांसी का रस्सी भी तैयार किया जा रहा है। जिस दिन दोषियों को फांसी दी जाएगी, उस दिन हम लोग एक त्यौहार के रूप में मनाएंगे। निर्भया कांड को शायद ही कोई भूला होगा। 16 दिसंबर 2012 की वो रात जब दिल्ली के एक बस में सवार 6 दरिंदों ने पैरामेडिकल की छात्रा निर्भया के साथ चलती बस में गैंगरेप कर हैवानियत की सभी हदें पाकर दिए थे। बलिया से राणा प्रताप सिंह की रिपोर्ट। बालजी सिंह जी, ग्राम मेरावरा कला जी, और निर्भया का चचेरा दादा। तक विलम्ब चल रहा है क्या? दोषियों को अभी तक फांसी की सजा नहीं दी गई है, मुकर्रर नहीं किया गया, तो क्या ऐसे में घटनाएं दिन पर दिन जो बढ़ रही है, तो इसकी जिम्मेवार कौन है? अपराधी के लिए इतना समय मिलना ही नहीं चाहिए। कम से कम समय में, 1-2 महीने, 3 महीने के अंदर फांसी की सजा मिल जाती तो घटनाएं कम होती। इसपे आप कितना आप खुशी जाहिर कर रहे हैं? बार बार फैसला आना और जाना, ये ठीक नहीं है। फैसला हो गया है, राष्ट्रपति महोदय के यहाँ से खारिज हो चुका है क्षमा याचना, तो उसको फांसी के फंदे पर लटका दिया जाना चाहिए। ये क्या कि आज यहाँ तारीख है, कल वहाँ तारीख है, इसी में तो अपराधियों का दिमाग और ऊंचा उठता जा रहा है। तत्काल फांसी की सजा दे देनी चाहिए और फांसी के फंदे पर लटका दिया जाना चाहिए। क्या अभी तक जो फांसी के फंदे पर नहीं लटकाया गया, क्या इसकी वजह से तमाम ये घटनाएं घट रही है क्या? रोज की रोज घटनाएं घट रही है, कोई गिनती है नहीं। अगर निर्भया के दोषियों को फांसी की सजा मिल जाती तो क्या ये घटना पर अंकुश लगता? निश्चित रूप से अंकुश लगता, धीरे धीरे बिल्कुल समाप्त हो जाता है। अब बिल्कुल समाप्त होता या नहीं होता ये तो भविष्य की बात है, लेकिन अंकुश लगना बहुत जरूरी है। सजा बहुत कम समय में जल्दी देना, जैसे कि तेलंगाना पुलिस के लिए लोग दोषी दे रहे हैं, तेलंगाना पुलिस कोई दोषी नहीं है, बहुत सराहनीय काम किया है तेलंगाना पुलिस ने, काउंटर कर दिया। जब तुम हमारे ऊपर अपराध करने के लिए तैयार हो तो हम क्यों तुमको छोड़ें? ये तो कानून पता नहीं किस तरह का लचर है, क्या है, इससे अपराधियों का हौसला बुलंद होता जा रहा है। एक तरफ महिलाओं को बराबर का दर्जा दिया जा रहा है कि महिलाएं पैरेलल में निकलें, अरे भैया उसको कोई सुरक्षा की व्यवस्था है? किस व्यवस्था से वो पैरेलल में निकले? उसको तो हमेशा डर बना रहता है कब हमारे साथ कोई दुर्घटना हो जाएगी। दुर्घटना से बचने के लिए कोई ठोस कदम उठाया गया है, और उठाया जाए तो लागू क्यों नहीं किया गया है? और तेलंगाना पुलिस को लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, कोर्ट में जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, इतना सराहनीय काम किया है, काउंटर कर दिया, ऐसे ही 10-5 काउंटर हो जाएंगे, मनोबल घट जाएगा। निर्भया कौन आप लगते हैं? मैं निर्भया के चचेरी बहन। तो अभी तक निर्भया के दोषियों को सुनने मारा है क्या फांसी की सजा दी जाएगी, तो आप लोग इससे कितना उत्साहित नजर आ रहे हैं? फांसी की सजा जिस दिन दिया जाएगा उस दिन तो हम लोग का बहुत खुशी होगा, लेकिन अभी तक सुनाई दे रहा है वो भी हम लोग खुशी हैं, लेकिन अभी 7 साल तक अभी नहीं हुआ है। दरिंद्रे अभी हमारे सामने जी रहे हैं, हम लोग को यही देख कर दुखी है कि हमारी बहन चली गई और दरिंद्रे अभी ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं। अरे जेल में है तो क्या ऐसी की ज़िंदगी नहीं जी रहे हैं? उनको तुरंत उसी वक्त फांसी दे देनी चाहिए, या तो पकड़ कर तुरंत पब्लिक के हवाले कर कर उनको मौत दे देनी चाहिए। इस तरह की व्यवस्था हो रही है तो ये फांसी की सजा हो रही है, फांसी दिया जाएगी, हम इससे तो बहुत खुशी हैं, बहुत अच्छे हैं, उनको बहुत खुशी महसूस हो रही है कि हमारी बहन को इंसाफ मिल रहा है, हमारी बहन को आत्मा का शांति मिल रहा है।